हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के निटिंग क्रिएशन। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ये कार्डिगन का डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप लेडीज कार्डिगन में, लेडीज हाफ जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, बेबी स्वेटर में, फ्रॉक में, शॉल में, टॉप में, कुर्ती में, किसी में भी आप डालिए, उसी में ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के आएगा। जाली वाला डिजाइन है और बनाना बहुत ही आसान है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। और आप जो ये इसके नीचे बॉर्डर देख रहे हो, ये बॉर्डर का डिजाइन मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आप इसी डिजाइन को बनाना चाहते हैं तो इस बॉर्डर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से ओपन करके देख लीजिएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। डिजाइन बनाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ये यहाँ पर 12 के मल्टीपल फंदे लिए हैं और 3 फंदे प्लस किए हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम 12 के मल्टीपल फंदे लेके और फिर डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। जैसे इसमें हमने ये बॉर्डर बनाया है, बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पे 2 सिलाई हम उल्टी सीधी बनाएंगे, फिर हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो हमने ये बॉर्डर के फंदे लिए हैं। यहाँ से अब हम फर्स्ट रो है, इसको हम सीधी बनाएंगे। पूरी रो को धागा पीछे करते हुए इसको पूरी को सीधा बना देंगे। ये हमारी फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हुई। अब आएंगे हम सेकंड रो पर। सेकंड रो को देखिए फ्रेंड्स, धागा अपनी तरफ करेंगे और इसको पूरी को ऐसे उल्टा ही बना देंगे। अब आ गए हम थर्ड रो पे सीधी तरफ। ये डिजाइन हमारा सीधी तरफ से बनना शुरू होगा। तो ये डिजाइन की हमारी फर्स्ट रो है। तो 5 फंदे हम ऐसे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से आगे की तरफ से 2 का 1 करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे पे जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 कर देंगे। ऐसे 5 फंदे सीधे, फिर 2 का 1, फिर जाली, फिर ये सीधा फंदा, फिर जाली, फिर 2 का 1। अब 7 फंदे फिर सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक एक रिपीट हमारा ख़त्म होता है। तो धागा 5 फंदे ये थे और फिर 7 फंदे, ये जाली डाली, जाली का पैटर्न, फिर 7 फंदे। अब 7 फंदे और फिर 5 फंदे जाली के, तो एक पैटर्न हमारा 12 फंदों में बन के कम्प्लीट होगा। तो अब फिर 2 फंदों का 1 फंदा बना देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर से 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और 4 और 5। आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हों, आप उनको ऐसे ही बनाते जाइएगा। जैसे 5 फंदे सीधे, 2 का 1, 1 जाली, फिर सीधा, फिर जाली, फिर 2 का 1, फिर 7 फंदे सीधे, फिर ये 5 फंदे, फिर जाली वाले, ऐसे ही बनाते जाइएगा। बैक साइड से इस पैटर्न में सभी सिलाइयाँ हमारी उल्टी ही बनती जाएंगी। पूरे डिजाइन में बैक पार्ट में उल्टी सिलाइयाँ बनेंगी। अब आ गए हम सीधी तरफ थर्ड रो में। तो पहले हमने यहाँ पे 5 फंदे बनाए थे, अब की बार हम यहाँ पे 4 फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3 और 4। फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब जो ये सेंटर का फंदा है, दोनों तरफ जाली डली हुई थी, इन 3 फंदों को हम सीधा बना देंगे जाली डालते हुए।
दो और तीन, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये फंदा हमारा दो का एक है, तो इस फंदे को लेंगे ऐसे पलटेंगे और फिर से दो का एक बैक साइड से कर देंगे ऐसे। फिर धागा पीछे ही रखेंगे और यहाँ पे एक दो तीन चार और पाँच। पहली बार हमने फर्स्ट रो में सात फंदे सीधे बनाए थे, अब की बार पाँच बनाएंगे। धागा पीछे ही रखेंगे और एक फंदा ये सीधा, एक ये दो का एक, इनका दो का एक सीधा फंदा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये बीच में अब हमारे तीन फंदे हैं जो इनको सीधा बनाएंगे, जाली वाला भी सीधा और ये सेंटर का भी फिर से जाली वाला। धागा अपनी तरफ करेंगे, अब ये दो का एक और एक फंदा यहाँ से लेंगे, तो इस फंदे को लेंगे ऐसे पलटेंगे और दो का एक बना देंगे। फिर यहाँ पे लास्ट में चार फंदे सीधे, बैक साइड से पूरी रो को उल्टा बनाएंगे। अब आ गए हम सीधी तरफ पांचवी सिलाई में। अब यहाँ पे हम तीन फंदे बनाएंगे, एक दो तीन, फिर से एक सीधा, एक ये दो का एक, इनका दो का एक कर देंगे आगे की तरफ से ऐसे। धागा अपनी तरफ करेंगे, अब जो ये जाली से बड़े हुए फंदे हैं बीच में पांच फंदे, इनको सीधा बनाएंगे। तो एक दो तीन चार और पाँच, अब फिर जाली डालेंगे और ये दो का एक, एक फंदा साथ वाला, तो यहाँ पे पलट लेंगे और दो का एक बना देंगे ऐसे। अब तीन फंदे बीच में सीधे, एक दो तीन, अब फिर ये एक सीधा, एक दो का एक, इनका दो का एक बना देंगे आगे की तरफ से। धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से जो बीच के जाली से बड़े फंदे हैं पांच फंदे, इनको सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब जाली डालेंगे, इस ये दो का एक फंदा इसको पलटेंगे, साथ वाले के साथ लेके इसको दो का एक बना देंगे, दो का एक बैक लूप से बनाएंगे। लास्ट में तीन फंदे फिर सीधे, ये हमारी पांचवी रो थी। छठी रो फिर से बैक साइड से उल्टी बनाएंगे। अब आ गए हम सीधी तरफ सातवीं सिलाई में, तो अब यहाँ पे दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक और दो, अब फिर से ये एक सीधा, एक दो का एक, इनका आगे की तरफ से दो का एक बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, अब बीच में जो फंदे ये जाली से बड़े हुए हैं सात फंदे, इनको सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात। धागा अपनी तरफ करेंगे, अब ये दो का एक और साथ वाला ऐसे लेंगे, इसको पलटेंगे और दो का एक बना देंगे ऐसे। फिर एक फंदा सीधा, अब फिर ये एक सीधा, एक दो का एक, इनको आगे की तरफ से दो का एक बना देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर जाली से बड़े हुए ये फंदे जो बीच के हैं इनको सीधा बनाएंगे जाली डालते हुए, एक दो तीन चार पाँच छ सात। धागा अपनी तरफ करेंगे, दो का एक और साथ वाला ऐसे लेंगे, पलटेंगे और बैक लूप से दो का एक सीधा फंदा बना देंगे। लास्ट के फिर दो फंदे सीधे, ये हमारी सातवीं सिलाई बन के कम्प्लीट हुई। अब आएंगे हम आठवीं सिलाई पे बैक साइड में, इसको धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी को उल्टा बना के कम्प्लीट करेंगे। अब आ गए हम सीधी तरफ नौवीं सिलाई में, तो यहाँ पे अब हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर ये एक सीधा और एक ये दो का एक, इनका आगे की तरफ से दो का एक कर देंगे। फिर जाली डालेंगे और बीच के जो फंदे हैं इनको सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ
धागा अपनी तरफ करेंगे। अब हमारे यहाँ पे ये तीन फंदे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो बीच में हमारी ये डिब्बी है ये यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो ये तीन फंदे हैं, ये जाली डालते हुए इन फंदे को, बीच वाले को और फर्स्ट फंदे को, ऐसे दो को निडल पे ले लेंगे और फर्स्ट फंदे को बीच में ले आएंगे ऐसे, और बीच वाले को आगे की तरफ कर लेंगे जाली डालते हुए। अब इनका यहाँ से तीन का एक बना देंगे यहाँ पे ऐसे। अब हमारी ये यहाँ पे डिब्बी कंप्लीट हुई। धागा अपनी तरफ करेंगे और जाली डालते हुए बीच के फंदों को सीधा बनाएंगे, दो, ये बीच के सभी फंदे हैं, इनको सीधा बनाते जाएंगे। ये हमारी नौवीं सिलाई थी। धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और दो का एक करेंगे, लास्ट का फंदा सीधा। बैक साइड से फिर से उल्टी सिलाई बनाएंगे, दसवीं सिलाई, इसको ऐसे उल्टा बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 10 सिलाई बन के कम्प्लीट हुई। फिर से जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था फर्स्ट रो, अब ये 11वीं सिलाई सीधी, 12वीं उल्टी, फिर से ये बीच में दो सिलाइयाँ हमारी सीधी उल्टी बन के आएंगी। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा डिजाइन कम्प्लीट होता है तो यहाँ पे दो सिलाई, एक सीधी एक उल्टी, दो सिलाई सीधी उल्टी बना के फिर से जाली वाला पैटर्न स्टार्ट कर देंगे। तो 10 सिलाइयों में हमारा ये डिजाइन कंप्लीट हो जाता है और बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आता है और बनाना बहुत ही आसान है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।